वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि Redmi अपने एक न्यू फोन सीरीज जल्दी भारत के मार्केट में लॉन्च करने वाली है। हाल ही में Redmi ने अपने Redmi इंडिया के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर अपनी न्यू अपकमिंग फोन सीरीज Redmi Note 11 सीरीज का टीजर जारी किया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में आपको Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro और Redmi Note 11 Pro Plus ये तीन फोन मिलने वाले हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम Redmi Note 11 Pro Plus के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि क्या इसमें आपको फीचर मिलने वाले हैं, कैसे इसकी परफॉर्मेंस है और क्या इसका एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाला है और साथ ही कब तक यह लॉन्च होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम इसके ओवरऑल सारे फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं इस फोन के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्नोलॉजी का सबको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर और बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों, बात करें इस फोन के डिस्प्ले की, तो इस फोन में आपको 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगी, जो 1080x2408 पिक्सल रेजोल्यूशन, 20.9 एस्पेक्ट रेशियो और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगी। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस की, तो इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 695 चिपसेट मिल जाएगा, जो ऑक्टा कोर 2.2 GHz डुअल कोर कोरियो 660 प्लस 1.7 GHz हेक्सा कोर कोरियो 660 प्रोसेसर के साथ आएगा। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फोन के स्टोरेज की। तो दोस्तों, अगर बात करें इस फोन के स्टोरेज की, तो इस फोन में आपको 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी, जिसे आप चाहें तो SD कार्ड की मदद से 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फोन के कैमरे की। तो दोस्तों, बात करें इस फोन के कैमरे की, तो इस फोन के बैक में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप मिल जाएगा। इसमें आपको 108MP वाइड एंगल, 8MP अल्ट्रा वाइड एंगल और 2MP माइक्रो सेंसर के साथ कैमरे मिल जाएंगे। और अगर दोस्तों बात करें इस फोन के फ्रंट कैमरे की, तो इस फोन के फ्रंट में आपको पंच होल डिजाइन के साथ 16MP का कैमरा मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, बात करें इस फोन के कैमरे फीचर की, तो इस फोन में आपको डिजिटल जूम, ऑटो फोकस, फेस डिटेक्शन और टच टू फोकस जैसे फीचर मिल जाएंगे। तो आए दोस्तों, अब आते हैं इस फोन के बैटरी पे और बात करते हैं इस फोन के बैटरी के बारे में। तो दोस्तों, बात करें इस फोन के बैटरी की, तो इस फोन में आपको 5000mAh की लिथियम पोलियम बैटरी मिल जाएगी, जो एक पावरफुल 67W के फास्ट चार्जर के साथ आएगी, जिससे यह 15 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फोन के नेटवर्क कनेक्टिविटी की। तो दोस्तों, बात करें इस फोन के नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो इस फोन में आपको डुअल नैनो सिम स्लॉट मिल जाएंगे। और अगर दोस्तों बात करें इस फोन के कनेक्टिविटी की, तो इस फोन में आपको वाईफाई, मोबाइल हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ वी 5.1 और मास स्टोरेज डिवाइस USB चार्जिंग जैसे फीचर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं इस फोन के सेंसर पे और बात करते हैं इस फोन के सेंसर के बारे में। तो दोस्तों, बात करें इस फोन के सेंसर की, तो इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एल्कोमीटर, कंपास और जायरोस्कोप जैसे सेंसर मिल। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फोन के प्राइस और इस फोन के लॉन्च डेट की। तो दोस्तों, अगर बात करें इस फोन के लॉन्च डेट की, तो यह फोन 9 मार्च को लॉन्च होने वाला है। और अगर बात करें इस फोन के प्राइस की, तो इस फोन का प्राइस 21,000 से 22,000 के बीच में रह सकता है। वैसे जब यह फोन लॉन्च होगा और इसका एग्जैक्ट प्राइस जाएगा तो वह मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल टेक्नोलॉजी का सबको सब्सक्राइब कीजिए।